बहुत मतलब बहुत पसंद करती थी और इनका मतलब वो बॉयज गो थ्रू दैट फेज ना कि नहीं हमें लड़कियां पसंद नहीं है, वी हेट गर्ल्स, उनका वो फेज चल रहा था, लेकिन मुझे इन पे जबरदस्त क्रश था। हम शूट पे थे कहीं कोई हिल स्टेशन पे गए थे, काफ़ी रोमांटिक भी माहौल था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो सबसे हाई था, तो मैंने ठान लिया था कि मैं अभी वरुण को बताने वाली हूँ कि आई लव हिम। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको एक माउंटेन टॉप पे लेके जाऊंगी पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लूंगी। बचपन की बात है, बचपन की, हम 8 साल के थे, 8 साल, आप 8 साल के थे और वरुण 6। माउंटेन के ऊपर लिखी गई और मैंने बोला कि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ला देती हूँ, मैं उनको आई लव यू एक अलग तरीके से बोल देती हूँ। तो मैंने कहा कि वरुण मैं आपसे कुछ कहूँगी और यू आर यू लव आई, और एग्जैक्टली वैसे ही उनका चेहरा हो गया था। कोई गेम खेल रही है, कुछ होगा या कोई लोग आएंगे माउंट में, और इनका इनका रिप्लाई था नो। उन्होंने मेरा बेसिकली दिल तोड़ा, तो मेरा एज रेमोसा सेड बैड पिकअप। मतलब श्रद्धा कपूर 8 साल की उम्र में वरुण धवन को पहाड़ पे लेके गई बोलने के लिए यू लव आए। और उसके बाद आप नो बोल के चले गए सीधा, नो बोल के मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ऐसे बचपन में गलतियां हो जाती हैं बच्चों से कई बार, पर वरुण डू यू रिग्रेट इट? नहीं, क्योंकि जब फिर हम लोग 12 साल के थे फिर हम लोग वापस मिले और फिर तुम्हें क्रश हो गया है? मुझे हो गया था, हम लोग डांडिया खेल रहे थे और ऐसे खेलते खेलते सडनली वो बहुत फिल्मी तरीके से ऐसे ऐसे पीछे से श्रद्धा आई, मतलब अहिला श्रद्धा कपूर ऐसे हुआ था।